कस्तूरी मृग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कस्तूरी मृग को मारकर उसकी कस्तूरी की तस्करी करने का काला कारोबार अब भी जारी है। कस्तूरी तस्करों ने नेपाल में दो कस्तूरी मृगों का शिकार किया और उसकी कस्तूरी को बेचने हरियाणा ले जा रहे थे। तभी वन विभाग की टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय कस्तूरी तस्कर को गिरफ्तार कर उससे कस्तूरी बरामद की। इसकी कीमत 50 लाख रुपये से ज़्यादा आंकी गई है। कस्तूरी का काला कारोबार अब भी जारी है। इसका खुलासा कस्तूरी के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर ने खुद किया। उत्तराखंड एसटीएफ एवं डब्ल्यूसीबीसी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर खटीमा के पीलीभीत रोड से एक अंतर्राष्ट्रीय वन तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो मृग कस्तूरियों को बरामद किया है। आरोपी तस्कर पूर्ण विश्वकर्मा उर्फ हरिओम ग्राम चायकोट नेपाल का रहने वाला है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर नेपाल में दो कस्तूरी हिरणों का शिकार किया और उससे कस्तूरी निकाली। तस्कर पूर्ण विश्वकर्मा कस्तूरी बेचने के लिए हरियाणा ले जा रहा था, जिसे खटीमा में ही छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बरामद कस्तूरी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तराई पूर्वी खटीमा उपवन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। को जो खबर मिली थी तो उसमें हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और एसटीएफ उत्तराखंड के साथ मिलकर हमारे तराई पूर्वी वन प्रभाग के स्टाफ के द्वारा आज एक व्यक्ति को दबिश देकर यहाँ पर दबोचा गया और हमको उसके पास से कस्तूरी बरामद हुई है। और उसने अपना नाम पूर्ण हरिओम निवासी नेपाल बताया है और उसका वजन लगभग जो कस्तूरी का वजन है वो लगभग 60 ग्राम के करीब है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए से अधिक है। जांच जारी है, प्रयास किए जा रहे हैं कि ये रेट का हम पता लगाएं आगे की लाइन कहां तक जा रही थी और अभी इससे पूछताछ जारी है। अभी इसको रिमांड में लेने की कार्रवाई चल रही है, इसके बाद ही कुछ इस विषय में हम कहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।